गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार पाठ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, शब्द भंडार के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? शब्द भंडार के अंतर्गत आने वाली चीज़ें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, निर्जीव पदार्थों की ध्वनियाँ। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? ये सारी चीज़ें शब्द भंडार के अंतर्गत आती है। शब्द भंडार को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह है पर्यायवाची शब्द। सभी विद्यार्थी नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। पुष्प कुसुम, चांद राकेश, तटिनी सरिता, धरती भूमि, तरु वृक्ष, घन मेघ। तो बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि पुष्प व कुसुम, चांद व राकेश, तटनी व सरिता, धरती व भूमि, तरु व वृक्ष तथा घन व मेघ क्रमशः फूल, चंद्रमा, नदी, पृथ्वी, पेड़ और बादल दोनों ही शब्द किसी वस्तु की बात कर रहे हैं। कई बार हम एक ही प्राणी या वस्तु को अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। ऐसे शब्द एक दूसरे के पर्याय होते हैं, इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि यह पुष्प बहुत सुंदर है, ये कुसुम बहुत सुंदर है, ये फूल बहुत सुंदर है। तो बच्चों, यहाँ पर फूल, कुसुम, पुष्प, इनका अर्थ क्या है? समान है। इन शब्दों के अर्थ समान है, इसलिए वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए कुछ शब्द देखते हैं और उसके पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जैसे कि पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहाड़, शैल, गिरी, यानी इनके क्या है? अर्थ समान है। चाहे हम पहाड़ कहें, चाहे पर्वत कहें, चाहे शैल कहें, चाहे गिरी, ये अगर हम वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? समान होता है। माता, माता को हम माँ भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, यानी इसका अर्थ क्या है? समान है। रात का अर्थ होता है रात्रि, रजनी, निशा। अगर हम कहीं भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, निशा कहेंगे तो भी रात का अर्थ निशा ही होगा, निशा का अर्थ रात होगा, यानी इनके अर्थ क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है बच्चों, बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ, जलद, वारिद। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, अंबर, गगन। आग का पर्यायवाची शब्द नेत्र, चक्षु, नयन। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वस्त्र, चीर, अंबर। घर का पर्यायवाची शब्द सदन, आलय, निकेतन। हम घर को सदन, आलय, निकेतन इन नामों से भी पुकार सकते हैं। इनका अर्थ क्या होता है? समान होता है। चांद, चांद का अर्थ होता है, चांद का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, मयंक, शशि। ठीक है बच्चों, जैसे हम कह सकते हैं कि रात्रि के समय हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं रात्रि के समय हमें आकाश में चांद दिखाई देता है। तो क्या होता है? इन वाक्यों का अर्थ क्या होता है? समान होता है। हम चाहे चंद्रमा कहें या चांद, इन इस शब्द का अर्थ क्या है? समान होता है। चाहे हम चांद कहें, चाहे चंद्रमा, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है बच्चों, हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द पवन, वायु, समीर। पानी का पर्यायवाची जल, सलील, वारी। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, जलज, पंकज। आग का पर्यायवाची शब्द अनल, अग्नि, ज्वाला। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, तुरंग। बाघ का पर्यायवाची शब्द वाटिका, उपवन, उद्यान। मेहमान का पर्यायवाची शब्द आगंतुक, अतिथि, पाहुन। नदी का पर्यायवाची शब्द तरणी, तरंगिणी,
सरिता। किसान का पर्यायवाची शब्द कृषक, खेतिहर, हलवाहा। तो अब हम शब्द भंडार के दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, विलोम शब्द। स्टूडेंट्स, चित्र को देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और समझो। उदय, अस्त। नया, पुराना। धनी, निर्धन। कोमल, कठोर। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि एक ये शब्द क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर उदय यानी अभी सूर्य निकल रहा है, अस्त यानी सूरज ढल रहा है। उदय का उल्टा अर्थ क्या होता है? अस्त। नया का उल्टा अर्थ पुराना। धनी का उल्टा अर्थ निर्धन। कोमल का कठोर। तो बच्चों, इन शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसलिए जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हंसना, रोना। अच्छा, बुरा। शांत, अशांत। रोगी, निरोगी। सदाचार, दुराचार। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए विलोम शब्द के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उचित, अनुचित। इच्छा, अनिच्छा। मित्र, शत्रु। सफल, असफल। उदय, अस्त। आय, व्यय। प्रकाश, अंधकार। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। स्वच्छता, अस्वच्छता। आंतरिक, बाहरी। आकाश, पाताल। क्रय, विक्रय। जीवन, मरण। सत्य, असत्य। गुण, अवगुण। आरंभ, अंत। अनुकूल, प्रतिकूल। वीर, कायर। डरपोक भी कहते हैं। सुगंध, दुर्गंध। सुपुत्र, कुपुत्र। आदान, प्रदान। आदि, अंत। अनादि। स्वतंत्र, परतंत्र। उपकार, अपकार। तो बच्चों, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा? विलोम शब्द। अब हम शब्द भंडार के तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, पढ़िए और समझिए। दावत में तरह तरह के व्यंजन थे। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक ही शब्द व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, किंतु दोनों वाक्यों में इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः ये अनेकार्थी शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम अनेकार्थी शब्द के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स, किरण। ये क्या है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उत्तर। उत्तर का अर्थ होता है जवाब या फिर दिशा या फिर बात का। ये क्या है? उत्तर का अनेक अर्थ, यानी हम उसे दिशा भी कह सकते हैं, जवाब, यानी वाक्य के अनुसार अर्थ में क्या हो जाएगा? बदलाव भी हो जाता है। अंक, अंक को अनेक अर्थ होगा। संख्या, गोद, नाटक का अंक। गुरु, गुरु का अर्थ होता है शिक्षक या फिर बड़ा या फिर भारी। यानी एक ही शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ अलग है। ठीक है बच्चों, भाग, भाग का अर्थ होता है भागना। एक भाग होता है भाग्य, एक भाग होता है हिस्सा। यानी भाग का अर्थ अनेक है। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मतलब, कारण, धन। सूत का अर्थ होता है धागा, सारथी, डोरी। नाग का अर्थ होता है सांप। हाथी,
सूर्य। ठीक है बच्चों, तीर का अर्थ होता है बाण, नदी का किनारा। कल, कल का अर्थ होता है आने वाला समय। मशीन, यानी हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ा। इसके आगे के भाग हम हिंदी के दूसरे पीरियड में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा उसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।